जो बेरोजगारी है, किसानों की जो अड़चने हैं, जो नुकसान हुआ है बाढ़ से, बारिश से, और वो नुकसान है, क्षेत्र किसान जो है तकलीफ में है, ये जो आम आदमी है, सामान्य मानुष और किसान, इनको केंद्र स्थानी रखकर ये सरकार आगे बढ़ेगी। इसमें शेतकरी है, क्षेत्र मजदूर है, व्यापारी, छोटे मोटे उद्योजक है, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, और इनको प्राथमिकता दी जाएगी, महिला संरक्षण, ये वो सभी है, शिक्षा है, इसमें ये आपको इसके प्रति भी दी गई है। और ये किमान समान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने वाले हमारे नेता जो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब, राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, और कांग्रेस के सोनिया गांधी मैडम, इनके अनुसार ये किमान समान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया हुआ है, और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। 170 से ज़्यादा जो मिनिमम मेजोरिटी के लिए जो नंबर्स लगते हैं, उससे कई ज़्यादा नंबर्स महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पास है, और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी शेतकरी जो किसान है हमारे, जो सामान्य मानुष है, और ये सभी लोगों के लिए, समाज के जितने भी घटक हैं, दल हैं, उनको साथ में लेकर आगे बढ़ेगा, और ये महाराष्ट्र को पूरी तरह स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रदान करेगा, और महाराष्ट्र की जनता के हित में काम करेगा।